रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड में पुजार गांव के डोणी तोक के 5 परिवार मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। साल 2013 की आपदा में डोणी तोक में भी भूदशा हुआ था, जिस कारण यहां रहने वाले कुछ लोगों के घरों में दरारें पड़ गई। तब से लेकर आज तक 5 परिवार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो सका, जबकि हर साल मकानों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। पीड़ित परिवारों ने पटवारी से लेकर एसडीएम, डीएम और मंत्रियों से पत्राचार किया, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। पिछले वर्ष तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने भी डोणी तोक का जायजा लिया था। यहां तक कि स्थिति देखने के बाद उन्होंने इन परिवारों को तत्काल प्रभाव से विस्थापन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। 2013 की आपदा से ये दशा चल रहा है और हमारे पास अन्यत्र कोई जगह नहीं है कि जो हम अन्य जगह पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग भयभीत रहते हैं और रात भर हम लोग बरसात के समय में सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दसाव ज़मीन है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। और सूचना प्रशासन को हमने दी है, प्रशासन यहाँ पर आया है, लगातार चल रही है बारिश, बरसात चल रहा जो, तो इसमें और ज़्यादा दसाव चल रहा है ये, क्योंकि चारों तरफ कोने कोनों में मकान की छतों में नीचे फर्श में सारी दरारें आ रखी हैं। रात भर यहाँ पे बच्चों के लिए कि जगह जगह जहाँ पर बचाव के लिए उतना हम कोशिश करते हैं, जगह जगह भागते हैं। डीएम साहब को मैंने 3 बार में रुद्रप्रयाग चले गए, फिर डीएम साहब यहाँ आए, पूरा प्रशासन आ गया। प्रशासन ही उस टाइम डीएम साहब ने ये बोला था कि इनको तुरंत 15 दिन के अंदर जो है विस्थापन के लिए कार्रवाई करिए, मेरे पास फाइल भेजिए। तहसील में मैं 2 बार 3-4 बार तहसील चले गए हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वह कुछ नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, आज भी गया था, कुछ नहीं हुआ। इन परिवारों के पास अन्य कहीं शिफ्ट होने के लिए कोई साधन नहीं है। ये परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, बरसात के वक्त रातों को सो नहीं पाते। वहीं इस मामले पर डीएम भी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाई। अभी हम लोगों के द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फैमिलीज जिनको नियमानुसार मुआवजा भी दे दिया गया है, क्षतिपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का, और उसके बावजूद अगर कोई जो है क्षतिग्रस्त भवनों में निवास कर रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, किसी भी प्रकार से असुरक्षित भवन में कोई निवास न करे। ग्राम प्रधानों के को हम लोगों ने ये अपील की है कि गांव में जिस प्रकार से सार्वजनिक परिसंपत्तियों में, सार्वजनिक भवनों में क्वारंटीन के समय पर प्रवासियों की व्यवस्था की गई, वर्तमान में विलेज क्वारंटीन की संख्या हमारे जनपद में बहुत कम है, ज़्यादातर ऐसी सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ खाली हैं वर्तमान में, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को अस्थायी रूप से विस्थापित करने के लिए प्रयोग करें जिनके भवन डैमेज हो गए हैं। किसी भी दशा में डैमेज भवनों में कोई भी परिवार निवास न करे। आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जनपद के 23 गांव के 472 परिवार आज भी विस्थापन की बाट जोह रहे हैं। सबसे अधिक उखीमठ में 248 परिवार, जखोली में 192 परिवार और रुद्रप्रयाग में 32 परिवार सालों से विस्थापन की श्रेणी में हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाया। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई भी अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।